करते हैं तो हम यहाँ से लेके बात करेंगे उसका। सातवां बाकी है, लेकिन कुल मिला के आज के जो वोटिंग रहा वोट रहा क्या अनुभव रहा और क्या कहना है सर? प्रशासन के लोगों ने परेशान बहुत किया लोगों को, वोटिंग स्लो कराने की कोशिश की, पुलिस ने भी कई जगह अप्रिय स्थिति पैदा की, लेकिन सबके बावजूद जनता में जज्बा थे, उत्साह था पार्टी के लिए, राष्ट्रीय ध्वज के लिए और सरकार को हटाने के लिए, तो सबका मिला के परिणाम बहुत शानदार है, बहुत शानदार परिणाम आएगा, लाख प्रयास कर लिया। जिस तरीके से आपने मेहनत की है और जगह जगह आपने संदेश पहुंचाया था, क्या उसका ही नतीजा रहा या नहीं? वो पार्टी का बेस है, वो तो हम तो एक उम्मीदवार के तौर पे अपना कर्तव्य का निर्वहन जो करना चाहिए कर रहे थे, लेकिन पार्टी के बेस है, पार्टी के साथ मजबूती से लोग खड़े हैं, लोग बदलना चाहते हैं, बीजेपी को माननीय अखिलेश जी को मजबूत करना चाहते हैं तो किए। आज यहाँ पे काउंटिंग होनी है, वहाँ पे आप आए हैं? हाँ, स्वाभाविक है, आज ईवीएम जमा हो रही हैं, निरीक्षण तो करना ही है। अब जो देखिए वो संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर ली, उसकी वो मीडिया में देने वाली चीज़ नहीं है। ओवरऑल क्या कहना है? ओवरऑल मैं आजमगढ़ के लोगों का धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत शानदार उन्होंने साथ दिया, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया आजमगढ़ के लोगों ने, और कम समय में भी बहुत शानदार चुनाव हुआ।